आपको ब्लड प्रेशर चेक करवाना है, शुगर चेक करवाना है, जो भी लैब टेस्ट करवानी है, पोर्टेबल एक्सरे करवाना है, पोर्टेबल अल्ट्रासाउंड करवाना है, कीमोथेरेपी करवानी है, फिजियोथेरेपी करवानी है, तमाम फैसिलिटीज़ हमारे पास ऑन कॉल हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद रबाज़ अवान है, आप देख रहे हैं एशियन न्यूज़। नाजरीन, आज जो है इस वक्त मैं मौजूद हूँ कासमाबाद पकौड़ा स्टॉप पर, और यहाँ पर जो है अलहम्द क्लिनिक मेडिकल सेंटर वाक़े, यहाँ पर मैं मौजूद हूँ। और आज जो है नोबल केयर पाकिस्तान होम पेशेंट नर्सिंग केयर सर्विसेज़ का जो है इफ्तिताही तकरीब रखी गई है, और यहाँ पर जो है रिबिन भी काटी जाएगी। इसके अलावा जो है कौन कौन से पेशेंट्स को देखा जाएगा, टाइमिंग क्या होगी, और जो दीगर एक्टिविटीज़ हैं वो आपको दिखाते हैं मेरे साथ। जी, नोबल केयर पाकिस्तान की आज आपको ओपनिंग दिखाई, और मैनेजिंग डायरेक्टर जो हैं मिस्टर साइम हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ यहाँ पर होंगी और किन मरीज़ों को इस ओपनिंग से फ़ायदा होने वाला है, क्या क्या सहूलियात आप फराहम करेंगे बताइए। अस्सलाम वालेकुम तमाम नाजरीन, हम आज अल्लाह का शुक्र है कि नोबल केयर पाकिस्तान, जो नोबल केयर मलेशिया के नाम से एक मलेशिया में कंपनी काम कर रही है, उसी की तर्ज की तरह हम पाकिस्तान में पहली मरतबा एक चीज़ लेके आए हैं। आपको तमाम मेडिकल की जो फैसिलिटीज़ हैं, आपको ब्लड प्रेशर चेक करवाना है, शुगर चेक करवाना है, जो भी लैब टेस्ट करवानी है, पोर्टेबल एक्सरे करवाना है, पोर्टेबल अल्ट्रासाउंड करवाना है, कीमोथेरेपी करवानी है, फिजियोथेरेपी करवानी है, तमाम फैसिलिटीज़ हमारे पास ऑन कॉल हैं। आपको अपने घर बैठे जस्ट एक कॉल पर हम आपको तमाम फैसिलिटीज़, हमारे रजिस्टर तमाम स्टाफ जो हैं वो उसमें मेल फीमेल नर्सेस, पैरामेडिकल डॉक्टर्स, आईसीयू टेक्नीशियंस, पीस स्पेशलिस्ट, तमाम हमारी एक टीम है, जो टीम आपको 24 घंटे आपके दरवाज़े पे, आपके दस्तक पर सिर्फ़ एक कॉल पे आपको तमाम फैसिलिटीज़ देते हैं। ये हमारा कॉल सेंटर है, यहाँ पे हमें कॉल जैसे रिसीव होगी, कॉल रिसीव होने के विद इन 15 से 20 मिनट में हमारा स्टाफ आपके दरवाज़े पर पहुँचेगा। हमारे पास जो भी हम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं वो उसमें हमारे पास जो भी मशीनरी है तमाम आप ये देख सकते हैं। हर पेशेंट पे हम जो है अलग अलग एक किट हमारी यूज़ होती है, उसमें हमारे तमाम जो भी चीज़ें हैं हम एक WHO के प्रोटोकॉल की तरह हम वो तमाम फैसिलिटीज़ जो हैं आपको आपके दरवाज़े मुहैया करते हैं। अच्छा, ये बताएं कि अगर कोई फिज़िकली किसी डॉक्टर के पास जाता है, उनकी सर्विसेज़ लेता है, तो वो ज़्यादा सस्ता होता है या आपकी सर्विसेज लेना ज़्यादा बेहतर होगा एक मरीज़ के लिए? आपको पता है कि आजकल की जो महंगाई है, और दूसरा ये कि जो दवाइयाँ आप लिख कर देंगे या वो आप ही प्रोवाइड करेंगे या बाहर से उन्हें लेनी? हमारे पास एक इमरजेंसी किट बनी होती है जिसमें तमाम इमरजेंसी किट्स जो मेडिसिन होती है वो हमारे पास अवेलेबल होती है, और वो भी बिल्कुल जो मार्केट रेट आपका है उसी मार्केट रेट में। क्योंकि अगर आप हमें कॉल करते हैं, हमारे डॉक्टर आपके पेशेंट के पास पूछते हैं, पेशेंट को देखते देखते फिर आपको मेडिसिन लिख के देंगे, फिर आप वो परचेस करके लाएंगे, फिर वो उसको हम डोज देंगे, इसलिए हमारा जो मेडिसिन किट जो पूरी बनी हुई है उसमें तमाम इमरजेंसी ड्रग्स जो हैं हमारे पास मौजूद होती हैं। और दूसरी बात यह है कि आपका जो सवाल है कि जो हम डॉक्टर के पास आते हैं या क्या है, आप इस महंगाई के दौर में इतना समझिए कि अगर आप किसी भी करीब तरीन इलाके में भी रहते हैं, अगर वहाँ से हॉस्पिटल के लिए आएंगे, अगर किसी पेशेंट को जो एजड हैं या पैरालाइज हैं या चल नहीं सकते, चलने फिरने के काबिल नहीं हैं, उनको तकलीफ़, और रात को अगर इन केस उनको कोई ऐसी तबीयत ख़राब हो जाती है, उनकी इमरजेंसी हो जाती है,
तो आप उनको फिर लेके जाएंगे, आपका रेंट भी आएगा, फिर आप हॉस्पिटल जाएंगे, वहाँ पे लेब के लिए आपको बोलेंगे ये करवा के आएँ, ये करवा के आएँ, ये करवा के आएँ। हमारे पास हर चीज़ फैसिलिटी जो है ऑन द स्पॉट होगी, पोर्टेबल अल्ट्रासाउंड भी आपका हो जाएगा, पोर्टेबल एक्सरे भी आपका हो जाएगा, आपकी लेब टेस्ट जो हैं वहीं से हम ब्लड कलेक्शन करके विद इन 1 to 2 hours आपको रिपोर्ट जो है हम व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। नोबल केयर पाकिस्तान जो है होम नर्सिंग केयर पेशेंट सर्विस है, जिसका मेन काम ये है कि जो भी पेशेंट्स जो हैं जो यहाँ पे हॉस्पिटल को प्रोवाइड नहीं हो सकते या हॉस्पिटल तक नहीं पहुँच सकते, तो हम उनको ये तमाम सहूलियात हॉस्पिटल की घर पर पहुँचाएँ और मिनिमम पैकेजेस में, ताकि जो है हर बंदे को वो सहूलत मिलनी चाहिए जो उसका हक है, बेसिक नीड है। हमारी कोशिश यही है, हमारे MD साहब जिन्होंने बहुत अंतक मेहनत की है, उनकी मेहनत उनकी डेडिकेशन के ज़रिए हम यहाँ तक पहुँचे हैं। इंशाल्लाह हम उनकी टीम उनके साथ हैं और हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम इनको बहुत एक अच्छा इदारा बना सकें जो आम आवाम के काम आ सकें। मेरा नाम अब्दुल कयूम सहतो, मैं स्टाफ मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ। टोटल जो भी स्टाफ हमारा काम करेगा वो मेरी अंडर में होगा। असल में ये चीज़ हम किस सोच से लाए, हम ये चीज़ आवाम को बताना चाहते हैं। हमारे जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उनमें जाके देखें, उनमें हमारी मेडिकल की इतनी फैसिलिटीज़ हो गई हैं कि हम अगर उनको देखते हैं तो माने हम अपने आप को ज़ीरो लेवल पे महसूस करते हैं। वैसे हम जो ये चीज़ लाएँ वो नोबल केयर मलेशिया में जो कंपनी है उनके जो है ना, हम नक्शे कदम पे हमने ये चीज़ हमने सोचा कि क्यों ना हम अपने मुल्क और हम अपने जिस जो है ज़िले में हम रहते हैं उधर ये चीज़ हम प्रोवाइड कर सकें। अभी ये चीज़ हमने एक छोटे पैमाने से शुरू की है, हालांकि छोटा पैमाना एक कहने का मकसद है, बाकी मेहनत जो है हमारी इस पे बहुत लगी है। हमारे डॉक्टर साहब डॉक्टर साइम एस तो ये जिनकी जो है ना कोशिश और लगन से जो है ना इस इदारे को हम जो है एक किसी तकमील तक पहुँचा सकें। असल में कुछ रीज़न्स ऐसे आ रहे थे जिनकी ये चीज़ नीडेड हो गई थी। जैसा कि आजकल हमारी आबादी के हवाले से देखा जाए तो हमारे जो ज़्यादा जो है मेजॉरिटी में देखो तो हमारे फ्लैट्स माने जो है ना रिहाइश के लिए हो गए। तो एक चीज़ छोटा सा मैं एक मिसाल दूंगा, समझने वाले के लिए इतना काफ़ी है कि अगर खुदा ना खास्ता आप जो 5वें 6वें फ्लोर पे रिहाइश कर रहे हैं, अल्लाह न करे रात को या दिन में कोई भी ऐसी खाने पीने से इमरजेंसी हो गई, कोई फूड पॉइजन हो गया, कोई लूज़ मोशन हो गए, किसी को जो है ना कोई फीवर आ गया, तो अभी उसके पास ना बाइक है ना कोई कन्वेंस है और घर में जो है ना ऐसा कोई रिसोर्सेज नहीं है जिसके थ्रू वो हॉस्पिटल तक बआसानी जल्दी पहुंच पाएँ। इसके लिए ये चीज़ हम लाएँ कि हम इन उन बंदों को जो इन चीज़ों के लिए काफ़ी परेशानियों को मुंह देते हैं, हम जाके उनको उन जगहों पे जाके ये फैसिलिटीज़ देंगे। जैसे हमें कंट्रोल से कॉल आएगी हम उनसे पेशेंट की डिटेल लेंगे, उस हिसाब से हम अपना स्टाफ भेजेंगे जो उस पेशेंट को मैनेज करके स्टेबल करने के लायक बनाए। और मैं अपने नोबल केयर पाकिस्तान की तरफ से बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने ये मौका देके और हमें इस काबिल समझा कि हमें अपना स्टाफ मैनेजिंग डायरेक्टर माने जो है ना चॉइस किया। और हमारी यही जो है ना कोशिश होगी कि हम इस चीज़ को जितना हो सके कि हम अपनी आवाम और हम अपने बाशऊर जो है ना अपने शहरियों को ये सहूलत प्रोवाइड कर सकें। हम किसी भी पेशेंट को जो है घर से जो है रेफ़र उस सूरत में करेंगे अगर हम नीड समझेंगे कि ये पेशेंट यहाँ पे हमसे ट्रीट नहीं हो सकता, वो भी अगर ऐसी कोई ज़रूरत पड़ जाएगी तो विद इन हमारी एम्बुलेंस सर्विस जो है हमारे साथ जो है 2 से 3 एम्बुलेंस सर्विस जो हैं वो कनेक्टेड हैं। हम उसको कॉल करेंगे, वो जस्ट आप हमारे मौजूदगी में ही वो पेशेंट, ये हमारा हॉस्पिटल जो है अलहमद क्लिनिक एंड मेडिकल सेंटर कासमाबाद में, इस उस पेशेंट को हम यहाँ पे लेके आएंगे और फर्दर ट्रीटमेंट जो है हम उनको यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। तो अभी आपने ओपनिंग जो की है वो कासमाबाद में की है, तो अगर कहीं शहर में से आपको कॉल आती है इमरजेंसी तो कितनी ड्यूरेशन आप समझते हैं कि आप वहाँ तक पहुँच जाएंगे? फिलफोर तो हम जो है कासमाबाद तालका जो है उसको कवर कर रहे हैं ऑन कॉल पे। अगर कासमाबाद से बाहर हमारे पास वो पेशेंट अगर जो
24 आवर सर्विस हमसे लेना चाहते हैं, अगर 24 आवर सर्विस में हम उनको फिजियोथेरेपी दे सकते हैं, फीमेल नर्सेज भी देख सकते हैं, मेल नर्स भी दे सकते हैं, जो पेशेंट कोमा की कंडीशन में हैं, पैरालाइज हैं, स्पाइनल कॉर्ड एट्रोफी है, स्पाइनल इंजरी है उनको, या कार्डिक केयर का इशू है, जो भी फैसिलिटीज़ हैं, अगर वो कंटिन्यूसली अगर फिक्स साइट में होंगे तो हम उनको वो पूरा स्टाफ हम वहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं, उनके घर में ही तमाम फैसिलिटीज़ हम उनको प्रोवाइड करेंगे। अच्छा, जो एशियन न्यूज़ के नाज़रीन जो देख रहे हैं, अगर उन्हें ज़रूरत पड़ती है आपकी सर्विसेज़ की तो नंबर बता दें, इसके अलावा एड्रेस जो आपका ये कंट्रोल रूम है, अगर वो यहाँ पर भी विज़िट करना चाहते हैं आपसे तो वो भी बता दें। ये हमारा जो कंट्रोल रूम है ये 24/7 सर्विसेज़ में ऑन रहेगा, और आप हमारे जो ऑफिशियल नंबर हैं आप नोट कर लीजिए, 0222-653-000, 0222-653-000 एंड 0332-006-200। ये हमारा कंट्रोल रूम जो है वो अलहम्द क्लिनिक एंड मेडिकल सेंटर पकोरा स्टाफ मेन रोड कासमाबाद में मौजूद है। आप अगर खुद आके अभी हमसे स्टाफ अगर ले जाएंगे तो हम उसमें भी आपको ये फैसिलिटीज़ दे रहे हैं। आखिर में क्या मैसेज देंगे, आज आपने ओपनिंग भी की है, आपकी वालदा भी थी, वाले साहब भी थे, सिस्टर भी थी, सब थे, तो जितने भी मेहमान आए, आखिर में क्या मैसेज होगा? मैं अपने अल्लाह का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि अल्लाह पाक ने मुझे ये दिन देखना नसीब किया, और मैं अल्लाह पाक से दुआ गो हूँ कि अल्लाह पाक मुझे ये सपने मकसद में कामयाबी और कामरानी नसीब फरमाए, और मैं एज़ अ हैसियत एक मुसलमान के नाते मेरी ये कोशिश रहेगी कि मैं तमाम पेशेंट्स जो हैं उनको बिला तकलीफ़ जो है जो भी अल्लाह पाक ने मुझे इल्म अता किया है उसमें मैं उनको वो सहूलियात मुहैया करूँ। जी, तो नोबल केयर पाकिस्तान के मैनेजिंग डायरेक्टर जो है हमारे साथ मौजूद थे और इनसे काफ़ी डिटेल बात की है, तो आप भी अगर जो टेस्ट वगैरह जो बताएं इनकी सर्विसेज आप हासिल करना चाहते हैं घर बैठे, कुछ किसी के माँ बाप इतने एजेड होते हैं वो चल नहीं पाते, बार बार लोग परेशान होते हैं, सर्विसेज नहीं होती, तो अगर आप लोग घर बैठे हासिल करना चाहते हैं ये सर्विसेज तो दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता करें। इनका नंबर, इनका एड्रेस मैं सारी चीज़ें जो हैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। तो इसी के साथ अपने मेज़बान अरबाज़ अवान को दें इजाज़त, देखते रहें एशियन न्यूज़, अल्लाह हाफिज़। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।